हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन लेकिन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को अब ध्यान से देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? है ना आसान, लेकिन ध्यान से आप सुनिए। प्लांट सेल में फर्स्ट पॉइंट, a rigid cell wall is always present outside the cell membrane or plasma membrane. Plasma membrane ke outside mein ek rigid tough wall always present hota hai, hamesha present hoga, lekin kisme? Only in plant cell. Rigid cell wall is made up by cellulose and always present outside the cell membrane in plant cell, and cell wall is always absent in animal cell. Animal cell mein outside mein plasma membrane hai, cell wall absent hai, lekin plant cell mein cell wall present hai. Point number 2, a central large vacuole is present इन मैच्योर्ड सेल। जो मैच्योर्ड सेल होता है उसमें एक सेंट्रल, बीच में सेंट्रलाइज लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट, मोस्टली ये एब्सेंट ही होता है, लेकिन इफ प्रेजेंट देयर साइज विल बी टू स्मॉल। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल है तो उसका साइज बहुत छोटा छोटा होगा। थर्ड है, प्लास्टिड्स आर फाउंड, प्लास्टिड पिगमेंट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, बट इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स ऑलवेज एब्सेंट। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सेंट्रोसोम एब्सेंट। एनिमल्स ये प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये हेल्प करता है उसमें, सेल डिवीजन में, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये तो आपके डिफरेंसेस हो गए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ आता है आपका कि नेम ऑर्गेनेल्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम आपको लिखना है जो केवल प्लांट सेल में है। तो मान लीजिए प्लांट सेल में आप लिख देते हैं वैक्यूल, प्लास्टिड, सेल वॉल, ये तो केवल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और हो जाता है कि नेम द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में केवल प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइसोसोम, लिख सकते हैं केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है ना, और एक पॉइंट और आपको मिला था सेंट्रोसोम, तो यहाँ सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम लिखेंगे। थैंक यू।